तो यार आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं मार्वल और डीसी के मोस्ट आइकॉनिक हीरोज को, जहाँ पे एक तरफ है हमारे पास कैप्टन अमेरिका और वहीं दूसरी तरफ बैटमैन। तो चलो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये बैटल 4 स्टेजेस में होगा, जहाँ सबसे पहले रैंडम एनकाउंटर, उसके बाद हैंड टू हैंड बैटल, फिर उसके बाद प्रिपरेशन टाइम के साथ एंड लास्ट मूवी वर्जन बेसिस पर। मगर उससे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्टन की। तो सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्ट होने के बाद कैप्टन को मिलती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वीक ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टैमिना एंड सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स। एक तरह से सुपर सोल्जर सीरम कैप्टन को ह्यूमन को पीक फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल पर ले जाता है, जिसकी वजह से कैप्टन के पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी है, प्लस कैप्टन पॉइंट ब्लैक रेंज की बुलेट को भी डॉज कर सकता है। और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका काफी सारी फाइटिंग टेक्निक्स और मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। और अगर कैप्टन की वेपन की बात कर ले तो उनके पास वाइब्रेनियम मेटल से बनी हुई शील्ड है, जिसको एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल में माना जाता है। और वहीं अगर हम बात कर ले बैटमैन की, तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और स्किल फाइटर है। बैटमैन को ट्रेनिंग दी थी किंग ऑफ एसोसिएशन, जिसकी वजह से बैटमैन 100 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। और अगर बैटमैन अपने सूट का यूज ना भी करे, तब भी बैटमैन अपने सुपर इंटेलिजेंस और गैजेट्स के दम पे कैप्टन के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। और बैटमैन ने ऐसे काफी सारे विलन को हराया जो उससे फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चांसेस है कि बैटमैन कैप्टन अमेरिका को इस राउंड में डिफीट कर देगा। और ऊपर से बैटमैन एक स्किल फाइटर है एज कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका। तो इस राउंड का विनर है हमारा बैटमैन। दूसरा राउंड है हैंड टू हैंड बैटल, ऐसा बैटल जहां दोनों ही कैरेक्टर ना अपने सूट का यूज करेंगे और ना ही कोई टेक्नोलॉजी का और ना ही कोई दूसरे वेपन का, ये सिर्फ एक हैंड टू हैंड फाइट होने वाली है। बैटमैन 100 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट में ट्रेंड है और वो एक स्किल फाइटर है एज कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका। और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका की रॉ स्ट्रेंथ इस राउंड में कैप्टन अमेरिका को बहुत तगड़ा अपर हैंड देती, और कैप्टन अमेरिका अपने सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना के चलते बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे बैटमैन के किसी भी वार से, और कैप्टन चाहे तो इस राउंड में बैटमैन को नॉकआउट भी कर सकता है। तो इस राउंड का क्लियर विनर है हमारा कैप्टन अमेरिका। अब हमारा तीसरा राउंड है विद प्रिपरेशन टाइम। बैटमैन का प्रिपरेशन लेवल 99% एक्यूरेट है, मतलब कि अगर बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम मिल जाए तो वो किसी भी कैरेक्टर को डिफीट कर सकता है बहुत इजीली। और बैटमैन ने सुपरमैन, मार्शल मैन हंटर और यहां तक कि डार्क साइड जैसे कैरेक्टर्स को डिफीट कर रखा है। और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का प्रिपरेशन टाइम इतना सुपीरियर नहीं है, ऊपर से कैप्टन ज्यादातर ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजीज पर लड़ता है, जिसकी वजह से इस राउंड का क्लियर विनर हमारा बैटमैन है। एंड अब बात कर लेते हैं लास्ट राउंड की। तो एमसीयू के अंदर कैप्टन ने बहुत सारे अच्छे फीट दिए, चाहे हम बात करें थॉर के हैमर को रोक देना, टोनी के सूट को डिसेबल कर देना, थैनोस के हाथ को रोके रखना, या फिर एंड गेम में थॉर के हैमर को उठा के थैनोस की बैंड बजाना। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन ने भी पैराडीमंस का सामना किया है, बहुत सारे गौतम के गुंडों को अकेले पीट चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट सुपरमैन को भी हरा चुका है। मगर जस्टिस लीग मूवी के अंदर बैटमैन को बहुत ज्यादा वीक दिखाया गया है एज कम्पेयर टू बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से। इसी के ठीक उल्टा एवेंजर्स एंड गेम मूवी में कैप्टन को उतना ही पावरफुल दिखाया गया है। सो इस राउंड का क्लियर विनर है हमारा कैप्टन अमेरिका। तो अब दोनों कैरेक्टर्स के पॉइंट देख लेते हैं, कैप्टन अमेरिका भी 2 पॉइंट, बैटमैन भी 2 पॉइंट, तो ये सुपर बैटल हो जाता है ड्रॉ। वैसे कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना, और हाँ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।